हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। ये मुरली कैसे बोलती है? ये बोलती नहीं, इसमें राग बजते हैं। मुझे भी बजाना सिखा दो। हमसे नहीं बजती, इससे कहो ना। अच्छा, पहले हाथ जोड़ो। हाँ, और अब सरस्वती माँ को प्रणाम करो और उनसे कहो कि हे सरस्वती माँ, आप मेरी इस मुरली में अपने संगीत के सुर भरते हैं। जय सरस्वती माँ। आज्ञा प्रभु। आप हमारी बांसुरी में संगीत के स्वर भर दो। जो आज्ञा प्रभु। सूर्यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनित प्रतिवंदनम् दिन करहे दिनमणि नमः स्वीकरो तुम मम तर्पणम्। दिवाकरादित्य मार्तंड जगतां पते अपाम निधे जगत रक्ष भूत भावन भास्कर अरे छोटे मुखिया, आप कब से बैठे हैं? बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारी मुरली, कितनी सुंदर बजाते हो। आपको अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। ये मुरली कैसे बोलती है? ये बोलती नहीं, इसमें राग बजते हैं। राग? हाँ। कैसा?
अभी जो मैं राग बजा रहा था इसे राग भैरवी कहते हैं। बहुत सुंदर राग है, मुझे भी बजाना सिखा दो। आप सीखेंगे? हाँ, लाओ दिखाओ ये कैसे बोलती है। ये आपके लिए बहुत बड़ी है। ठहरिए, मैं आपको एक दूसरी छोटी मुरली देता हूँ। हाँ। आज की पहली बिक्री आपके ही हाथों, ये लीजिए इसे बजाना सीखिए। इसमें भी वही राग बजेंगे? अवश्य बजेंगे, परंतु अभी नहीं, पहले इस पर अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास? हाँ। कैसा? पहले इन पर सात सुरों का अभ्यास करना पड़ता है, इस प्रकार से। सारे गामा पाधा नीसा। सारी गामा पाधा नीसा। इस प्रकार से नहीं, मुरली को मूंग की फूंक से बजाते हैं, इस प्रकार से। हमसे नहीं बजती, इससे कहो ना। अच्छा, पहले हाथ जोड़ो। हाँ, और अब सरस्वती माँ को प्रणाम करो और उनसे कहो कि हे सरस्वती माँ, आप मेरी इस मुरली में अपने संगीत के सुर भर दें। अच्छा, जय सरस्वती माँ। आज्ञा प्रभु। हे सरस्वती माँ, आप हमारी बांसुरी में संगीत के स्वर भर दो। जो आज्ञा प्रभु। Thank you.
धनवा, ये क्या कर रहे हो धनवा? ये किसे प्रणाम कर रहे हो? आपके चिरंजीवी को नंद बाबा, आपका पुत्र कोई दिव्य आत्मा है, कोई महान गंधर्व है जो किसी कारणवश हमारे गोकुल में आ गया है। गंधर्व, ये क्या कह रहे हो? हाँ नंद बाबा, जब हम मुरली बजाते हैं तो उसके सुर हमारे स्थूल शरीरों को रोमांचित कर देते हैं, परंतु इन्होंने जैसे ही मुरली हाथ में ली कि उसमें से एक ऐसा दिव्य स्वर प्रकट हुआ जो हमारे शरीर की स्थूलता को भेद कर हमारी आत्मा की गहराई को छू गया। सचमुच ऐसा चमत्कार आज तक किसी ने इस धरती पर नहीं देखा होगा। अच्छा, इतनी सुंदर मुरली बजाई इसने? हाँ कृष्णा, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? मैंने नहीं बजाई बाबा, गुरुजी ने कहा आंखें बंद करके सरस्वती माँ को प्रणाम करो। मैंने आंखें बंद करके सरस्वती माँ को प्रणाम किया, सरस्वती माँ स्वयं ही आकर बांसुरी बजाने लगी। हाँ, यही हुआ होगा, यही हुआ होगा धनवा। हाँ स्वामी, हो सकता है बालक की सरलता को देखकर सरस्वती माँ स्वयं ही आ गई हो। देख लेना, एक दिन इसके मुरली के स्वर इस धरती के वातावरण को एक ऐसे दिव्य नाच से मुखरित कर देंगे जिसे सुनकर पशु पक्षी मानव तथा समस्त जड़ चेतन प्राणी मदहोश हो जाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो। कान्हा, चलो बेटा घर चले, मैं तुम्हें ही ढूंढने निकला था। तुम्हारी जसोदा मैया बुला रही है तुम्हें। जय हो, जय हो, हे देवता, जय हो। अच्छा चलो कान्हा। सुना तुमने अपने लल्ला का नया चमत्कार? अब क्या कर दिया इसने? अरे वो धनवा अपनी मुरलियां बेच रहा था, कृष्णा ने उससे एक छोटी सी मुरली ले ली और जैसे ही उसे अपने अधरों से लगाया उस मुरली में अपने आप राग बजने लगे। अपने आप नहीं मैया, मैंने सरस्वती माता से प्रार्थना की तो वही आकर बजाने लगी। हाँ ऐसा ही हुआ होगा यशोदा, ऐसा ही हुआ होगा। हमारा कृष्ण अवश्य कोई चमत्कारी बालक है। अरे धनवा तो इसके चरणों में गिरकर कह रहा था कि ये कोई गंधर्वों का राजकुमार है,